नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ऑन पब्लिक डिमांड, क्योंकि जनता का फैसला, जनता का कमेंट, जनता के सुझाव हमारे लिए सर माथे पर। क्योंकि जिस दिन हमने कुछ दिन पहले बाबा चंचल जी का, जो कि हरि सिंह पैलेस के बाहर वहां पर इंटरव्यू किया था, तो लोगों ने हमें मैसेज किए, हमें संपर्क किया कि फिर से बाबा जी का इंटरव्यू लिया जाए। और जनता का जो बात होती है, हम कभी भी उसे निकार नहीं सकते। एक बार फिर से बाबा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आज का जो मुद्दा रहेगा कि डोगरा पगड़ी का इस तरह से अपमान, क्या कहेंगे, क्या पीछे का कारण रहा, क्यों नहीं पहनेगी कांग्रेस नेताओं ने, जो कि स्टेज था वहाँ पर, मंच सजा था, उस पर पगड़ी कुछ ने पहनी, दो सेकंड के लिए भी पगड़ी नहीं रखी पहनी, और जिन्होंने पहनी उन्होंने उठाकर पीछे नीचे रख दी। क्या पगड़ी इसलिए दी जाती है? पगड़ी दी जाती है मान सम्मान के लिए। क्या पगड़ी का इस तरह से अपमान, क्या कहेंगे इस सारे विषय में हमारे साथ बात करने फिर से जुड़ चुके हैं चंचल बाबा जी। क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी कि फिर से बाबा जी को रूबरू लाइए। कई लोग ऐसे भी कटाक्ष करते होंगे कि बार बार हम इनका इंटरव्यू क्यों लेते हैं। अरे जनाब, जो कहते हैं नहीं लिए, और वो लोग भी जो कहते हैं बाबा जी का इंटरव्यू लीजिए, हमें अच्छा लगता है इनसे बात करना, ये सामने आया कैमरा के। तो चलिए, आज मुद्दा हमने रखा यही वाला, क्या कहेंगे चंचल जी। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को नमन करना चाहता हूं, अपनी भारत की जनता को नमस्कार करना चाहता हूं, और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, आप ये मुझे बताओ, जो राहुल गांधी आप बार बार बोलते हैं, जनता इसी पर कहती है बाबा जी को, बोलो राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी होता है, राहुल गांधी, चलो कुछ भी है, जनता सुन रही। मैं पूछना चाहता हूं, जो इनको पगड़ी दी गई, वो पगड़ी थी एक मान सम्मान के लिए। इन लोगों ने वो पगड़ी पीछे किसी को पड़काई, उसके हाथ से नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद पाँव के बीच गिरी, फिर इन लोगों ने उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, जो पगड़ी आप लोगों को दी गई, वो था हमारे डोगरों का मान और सम्मान। देने वाले कौन थे पगड़ी? हमारे डोगरे प्रेजेंट करने वाले कौन थे? हमारे डोगरे थे, हमारे जम्मू के लोग थे, लोगों ने इत्मान किया इन लोगों का। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लीडरों को, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता थे, पार्टी के थे, हमारा जम्मू ही बीच में आता है, मैं पूछना चाहता हूं, जो एक पगड़ी को नहीं संभाल सका, वो देश को क्या संभालेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, गुलाम नबी आजाद जी को पगड़ी दी गई, उन्होंने पगड़ी उठाई, टांग के ऊपर रखी, टांग से उठाई, पगड़ी पीछे दे दी। मैं पूछना चाहता हूं, पगड़ी आपको किस चीज के लिए दी गई है? वो आपने पगड़ी सिर के ऊपर रखनी थी, वो एक सिर का ताज है, पगड़ी जो है सिर के लोग ऊपर रखते हैं, इन लोगों ने पगड़ी उठा के फिर पीछे दे दी। फिर तीसरी पगड़ी दी गई मीर साहब को, मीर साहब ने पगड़ी तो पांव के बीच रखी। मैं पूछना चाहता हूं, भाई मीर साहब, आप मुझे ये बताओ, क्या हमारे डोगरों की जो पगड़ी है, हमारी जो पगड़ी शान है हमारे डोगरों की, क्या आपके पांव के बीच रहनी चाहिए? वो ये बहुत गलत काम किया, इन लोगों ने जम्मू के लोगों को एक ठेस पहुंचाई है। ये लीडर एक पगड़ी का मान सम्मान नहीं कर सकते, तो ये जम्मू कश्मीर का या भारत का मान सम्मान क्या करेंगे ये लोग? क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आपने कहा कि पगड़ी को जो नहीं संभाल पाए, पहनी पर डर किस चीज का था? मंच पर बैठकर हम सब सवाल पूछेंगे कि आखिर किस डर के माध्यम से पगड़ी नहीं पहनी? डर इनको पाकिस्तान का था, जिन लोगों के गुण गाते हैं, ये अपने भारत का, अपने भारत के हित में होते तो पगड़ी अपने सिर के ऊपर रखते। इन लोगों ने पिछले 70 साल से लेके आज तक देश द्रोहियों का साथ दिया है, जे भारत का साथ नहीं दे सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो 2 मिनट के लिए हमारे डोगरों की, हमारे जम्मू की आन और बाण और शान, पगड़ी डोगरों की भगवा कलर की, वो 2 मिनट के लिए वो नहीं संभाल सकते, तो ये देश को क्या संभालेंगे? ये देश को नहीं संभालते। बाबा जी, एक सवाल था, ये हमारे जनता का सवाल है, जो जनता के आप इतने लोकप्रिय हो गए, जनता पूछती है बाबा जी, जनता भगवान का रूप है जी। आप जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं, आपका इतनी एनर्जी, आप उस दिन भी पूछा था, आपने नहीं बताया, आप क्या खा के आते हैं सुबह? मैडम जी, बात खाने की नहीं है, बात देश दी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उन्होंने कहा, सुनिए तो सही, देश की बात है, पर खाली पेट तो भजन भी नहीं होते, फिर देशभक्ति तो उन्होंने कहा था, लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमें भारत की बात करनी चाहिए, पार्टियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, पार्टियों को छोड़ के हमें भारत की बात करनी चाहिए। इन लोगों ने, इन लोगों ने हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। मैं पूछना चाहता हूं,
वो हमारा भगवा रंग था, हमारे भारत का, इन लोगों ने अपने पांव के नीचे रखा वो। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए जिन लोगों ने ऐसी ठेस पहुंचाई हम लोगों को। सर, बाबा जी वही तो पूछ रहे हैं, लोगों की डिमांड है, पूछ रहे हैं ना, तभी तो बता रहे हैं। आप खा के क्या आते हो? मैं सिर्फ पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, खाना कुछ नहीं। जो हमारी जनता खाती है वही मैं खाता हूँ। बट लेकिन इन ताकत कहाँ से इन लोगों ने, हमारे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। जो अंदर से पावर आती है वो देवियां देवते देते हैं। 33 करोड़ देवता हमारा बैठा हुआ है। आप पूजा पाठी बहुत उनका उनकी पूजा पाठ पिछले इंटरव्यू में काफी सारे मंत्र उच्चारण किए आपने, नाम बताए देवी देवताओं के। तो सर बाबा जी फिर पॉलिटिक्स में आप क्या कर रहे हैं? इसमें मैं जो देशद्रोही लोग हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए मैं आगे आया हूँ। मुझे कुर्सी खर्सी की सौंकनी है, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। मैं सिर्फ ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा बोलना। कुछ लोग हैं धर्म को और पॉलिटिक्स सियासत को मिक्स कर देते, जिस तरह से राहुल गांधी जी माँ वैष्णो के दरबार में गए, पर वहाँ पर माता रानी के झंडों का और इनके जयकारे लगाने के बजाय कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर नारे लगाए गए। इसको किस तरह से इस बात को लेते हैं? इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने माता वैष्णो के नाम पर राजनीति की है। ये दर्शन करने के लिए नहीं आए। इन लोगों की जो बुद्धि है वो ठीक नहीं है। आप ये बताइए, माता वैष्णो के दरबार में जा रहे हैं, हाथ में झंडे कांग्रेस के पकड़े हुए हैं। इन लोगों ने माता रानी के जलगारे नहीं लगाए, वहाँ कांग्रेस के नारे लगाए गए, वहाँ कांग्रेस के झंडे खड़े किए गए। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कैसे दर्शन करने के लिए आप वहाँ लोग पहुँचे? इन लोगों ने जम्मू के लोगों को एक बहुत बड़ी ठेस पहुँचाई है। ये लीडर नहीं, ये एक लीडर की पर्दे के पीछे ये बहुत एक डरावने लोग हैं। इन लोगों ने हमारे जम्मू के लोगों को बहुत बड़ी ठेस दी है। कांग्रेस को खतरा है। जो लोग हमारी जम्मू डोगरों की पगड़ी को अपने पांव के नीचे छोड़ सकते हैं, ये लोग देश नहीं संभाल सकते, ये देशद्रोहियों का साथ दे सकते हैं। सर, जनता का ही सवाल है कि जिस तरह से रविंद्र राणा जी की बात करें, पाकिस्तान 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 की बात करते रहते हैं, पर जनता के मुद्दे क्या हैं, जम्मू वासियों के मुद्दे क्या हैं, उस पर रविंद्र राणा जी कभी बात नहीं करते। अब आपसे बात करते हैं, जब भी कहते हैं, सर भी कहते हैं कि पाकिस्तान महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान महबूबा, और जम्मू की जनता के मुद्दे, यानी पहले भी कहा देशवासी उनके पेट में रोटी होगी, कहते ना खाली पेट तो वजन भी नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ, कल हमारा एक बेल्ट फोर्स का जवान, JKP का पुलिस का जवान जो कश्मीर में, उसको शहीद किया गया, मिलिटेंटों ने शहीद किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब मिलिटेंटों ने हमारे जवान पर फायरिंग की, क्या उसको रोटी के लिए पूछा, पैसे के लिए पूछा? नहीं पूछा। ऐसे देशद्रोहियों को खत्म करने के लिए हमें प्रधानमंत्री जी का साथ देना पड़ेगा, देश को बचाने के लिए। ऐसे हमारे जवान को वहां शहीद किया गया, ये ऐसे डरावने लोग हमारे भारत में कुछ जेंट बन के बैठे हुए हैं, कुछ मिलिटेंटों को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ देश के दो टुकड़े करने के लिए लगे हुए हैं, कि कुछ लोगों ने नशे की मुहिम चलाई हुई है। इन लोगों को खत्म करने के लिए हमें प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं इसलिए बोलता हूँ, बाकी जो जनता की बात है, मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब के आगे, अपनी BJP सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, सरकार के आगे, और पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर जी रैना जी के आगे, मैं अपील करता हूँ जनता पर, जम्मू की जो हमारी जनता है, इस पर कोई नई नीति बनाई जाए। हर जरूरत जो हमारी जनता की है वो पूरी की जाए। जनता एक भगवान का रूप है। सियासत में आप अपना गुरु किसको मानते हैं? सियासत में मैं सियासत में गुरु किसको मानना, मैं सिर्फ बावे वाली माता, नहीं वो तो धर्म के हिसाब से, माता रानी देवियां देवतों को ही मानता हूँ। उन्हीं की शक्ति से मेरे अंदर से आवाज बाहर आती है। क्या कर रहे हैं जो सच होता है मैं बोल देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, जो मैं बातें बोलता हूँ, अभी राहुल गांधी के नाम पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो मैं बोलना नहीं इन लोगों पर जो ये लोग जो लोग हैं, जे इन लोगों ने देशद्रोहियों को बढ़ावा दिया है पिछले 70 साल का, तो मैं इनके खिलाफ बोलूंगा। नहीं, आपका मुझे कोई खुशी थोड़ा चाहिए, मैं कुर्सी पर बैठूंगा, मुझे लाल से मुझे कोई दे वोट ना दे, लेकिन मैं देश के हित में बोलूंगा। सर, किसी ना किसी का इंस्पिरेशन जरूर होती है, किसी ना किसी का जो कहीं पहुंचने के लिए उनकी इंस्पिरेशन कोई ना कोई थी, गुरु होता कोई है जिसको देखकर इंस्पायर होते हैं, प्रभावित होते हैं। मैं गुरु सिर्फ एक ही चीज को मानता हूँ, अपने भारत को गुरु मानता हूँ। हमारा भारत जो है वही हमारा गुरु है, भारत से बड़ा कोई नहीं। जो भारत के हित में बात करेगा बाबा चंचल सिंह उसके साथ, जो भारत के खिलाफ बात करेगा तो बाबा चंचल सिंह उसके खिलाफ छोड़ के उसको धरती के बीच गाड़ने की तैयारी करूंगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप तो एक ऐसे शेर की तरह दहाड़ते हैं कि वाकई जो भी
आतंकवाद आतंकीवादी जो सोच रखने वाले देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं डर तो होगा कि बाबा चंचल आ गया। पहले रविंदर राणा थे भाजपा में धारने वाले, बस वो कहते थे लंबे पा देंगे लटा देंगे, अब बाबा चंचल आ गए। बात नहीं है मैडम जी, अगर अगर सच्ची बात बता रहा हूँ मैं सच्ची ईमानदारी से, जे बिल्कुल देशद्रोही भी मुझे इस टाइम देख रहे हैं और देशभक्त भी देख रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ। सर आप तो जो आदमी देश के खिलाफ, सुनो मैं देश के खिलाफ, सुनो मुझे इतना आप बोलते हो क्रोध क्यों आता है, सब लोग पूछते हैं बाबा ये क्रोध क्यों आता है, जोश अंदर से सर आप हमारे जो हमें तिरंगा झंडा भारत का मिला हुआ है, इस तिरंगे झंडे के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। जैसे कश्मीर में पिछले 70 साल का पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान इनका बाप लगता है, क्यों झंडा उसका खड़ा करना, अपने हिंदुस्तान का झंडा खड़ा करो। हमारे बेल्ट फोर्स के जो जवान हैं उनकी कुर्बानियों को उनकी सीधियों को हम लोगों ने याद रखना चाहिए। तो फिर इसलिए मुझे क्रोध आता है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कश्मीरियों के लिए, अच्छा सोचा उन्होंने, कहा पानी की वार्ड आई, इन लोगों को पानी से वार निकालो, बेल्ट फोर्स के जवानों को लाया गया, उन जवानों ने इन लोगों को पानी से वार निकाला। मुट्ठी भर कुछ देशद्रोही, कुछ उसमें लीडर भी शामिल होंगे, उन लोगों ने पत्थर देकर उसी हमारी बेल्ट फोर्स के युवाओं पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, हमारे बेल्ट फोर्स के युवाओं को जख्मी किया गया, हमारे बेल्ट फोर्स के युवाओं को बेइज्जत किया गया। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों पर क्या हमें फूल बरसाना चाहिए जी? ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शना चाहिए। बाबा जी एक बात, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, ज्यादा नहीं हम कहेंगे, क्योंकि जनता जो इस समय आपको देख रही है ना वो तो चाहती होंगे ज्यादा से ज्यादा और आगे इंटरव्यू लिया जाए। आपके चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट रहती है, आप जब भी इंटरव्यू करते इतना जोश आता है, पहले कहाँ थे बाबा जी आप? मैडम जी बात ऐसी नहीं है, बात ये भारत की है मैडम। नहीं पहले भी तो भारत था, पहले को आप भारत थोड़ी थे, आप भी तो भारत पहले। मैं बहुत मेरे इतनी देर लगभग मैं भाजपा ने ये इतना ऐसा एक हीरा कहाँ छुपा कर रखा था मैडम जी? लगभग मैं 25 साल से लेके समाज सेवा कर रहा था, 25 साल की, तो अभी मैदान में मुझे थोड़ा उतरने पड़ा। कैसे लगा आपको कि आप, मुझे आप धार्मिक, लगा, धार्मिक, मैं चाहता हूं देश द्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इन लोगों को कभी नहीं बख्शना चाहिए। ये लोग मुट्ठी भर हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में देश द्रोही लोग बैठे हुए हैं, जो देश द्रोही काम करते हैं, जो पिछले 70 साल से लेके आज तक इन लोगों ने देश के दो टुकड़े करने की तैयारी की है, ऐसे लोगों को कभी मत छेड़ना। आने वाले समय में क्या इलेक्शन का लड़ने का होता नहीं है कोई अनुमान लगा रहे? मैंने बाकी मैंने पहले ही बता दिया, मुझे कुर्सी कुर्सी की सौंगड़ी है। मैं सिर्फ जनता को जागृत करना चाहता हूँ। जनता जो है वो भगवान की एक आवाज है। लोग कहते हैं, हमारे सियाने कहते थे, वोट देने वाला वो भगवान का रूप है, वोट लेने वाला उनके पांव की धूड़ है। लीडर जो होता है वो जनता के पांव की धूड़ होता है। लीडर ने भी अपनी जगह पर खड़े होकर जनता की सुनाई सुननी चाहिए। आज वही जनता दुखी है लीडरों के, जिनको जो उनके भगवान का रूप है वही दुखी है आज लीडरों से। जनता का बहुत जल्द मसला हल होगा। एक बीजेपी पार्टी, ये बाबू बाबा चंचल जी का वायदा है। मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में। कुछ चीजें ऐसी, प्रधानमंत्री जो तो है भाजपा का है मैडम जी, वो बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में मैं मुखिया देखना चाहता हूँ बीजेपी पार्टी का। देख लीजिए आप आन रिकॉर्ड, और आप बिल्कुल, मैं ये देखना चाहता हूँ जनता जनता साथ दे। जो भी इनकी काले कानून इन लोगों ने पिछले 70 साल के बनाए हुए हैं, उनको खत्म करने के लिए बीजेपी पार्टी को थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद एक नई नीति बनाई जा रही है। ये मेरी बात लिख ले जनता, जो बेरोजगार है, हमारी 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 बीजेपी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट एक जम्मू कश्मीर पर नई नीति बना रही है, जो हमारे जम्मू के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हक मिलेगा, और हमारी जनता को पूरा पूरा हक मिलेगा, और देश द्रोहियों को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाएगा। चलिए ये मेरी चार बातें हैं। पत्थरबाजों को खत्म किया, मिलिटेंटों को गोली खिलाओ जम यात्रा भेजा, अच्छा। और उसके बाद हुर्रियत के लीडरों को उठा के जेल में बंद किया, जो मुख्यमंत्री थे उन मुख्यमंत्रियों से बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ कदम मांगा, ये दम चाहिए, तो जनता ने भी बीजेपी का साथ देना चाहिए।
जय हिंद, जय भारत, जय माता। धन्यवाद धन्यवाद सर जुड़े के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ चंचल बाबा जी। ये दहाड़े हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पगड़ी का, डोगरी पगड़ी का अपमान किया है। ये डोगरी पगड़ी का अपमान नहीं, बल्कि जिस मान सम्मान के साथ वो पगड़ियाँ उनको प्रदान की, उस मान सम्मान का अपमान किया है। और साथ ही साथ जनता के, जो कि जनता का आह्वान था, कि उनकी डिमांड थी कि दोबारा से चंचल बाबा जी को आपके समक्ष लाया जाए, तो मुद्दा यही था। हमने उसी मुद्दे को लेकर अपनी जनता के, अब जनता अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि बाबा जी जब भी बोलते हैं दहाड़ कर बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ रविंदर रैना जी, अब दूसरी तरफ बाबा चंचल जी। अब देखते हैं जनता किसे अपना समर्थन देती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़िए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।